फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आप अपने एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस समय चल रहा है हमारा गणेश उत्सव, तो सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देती हूँ। तो हमारे यहाँ भी गणेश जी की स्थापना की गई है, हालांकि वो हमारे यहाँ हम लोग विसर्जन नहीं करते। हमारे यहाँ जो गणपति जी लेके आए थे चतुर्थी पे, हम लोग हर साल उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग पाँचवें या सातवें दिन उनका बस स्थान चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग विसर्जित नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि हम इतने टाइम तक उनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद विसर्जित करके चले जाएँ। चाहे बाद में वो गलत जगह पर पड़े रहें, उनका पैर टूटे या सूंड टूटे, तो वो बिल्कुल भी हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए बस हमारे यहाँ चतुर्थी बस इसी तरह से सेलिब्रेट की जाती है। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मॉर्निंग का हमारा टाइम हो रहा है और हम अपनी साफ़ सफाई में लग गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं किस तरह से चलती हूँ और उठ खड़ी होती हूँ, बैठती हूँ चेयर पे, और आज उसी से रिलेटेड कुछ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आज आपको ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो मेरा पैर है वो कितना वर्क करता है, कितना नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने सबसे पहले नहा के आ गई हूँ मैं, और चादर वगैरह मैंने ठीक कर ली है। और मैं चादर को यहाँ पर गांठ लगा के ही करती हूँ, ताकि इससे हमारे साइड्स वगैरह जो हैं चादर के वो निकले ना कॉर्नर बिल्कुल भी। और इसके बाद सीधे हम यहाँ से जाएंगे अपना पूजा वगैरह करने, लेकिन यहाँ की थोड़ी सी हम बस साफ़ सफाई करके जाएंगे। तो चादर मैंने यहाँ चारों तरफ से दबा दी है अच्छे से, और इसके बाद मैं अपना बेड वगैरह है उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारा बेड काफ़ी गंदा हो जाता है, तो ये डेली दो तीन बार हमारा साफ़ हो ही जाता है। और इसको मैं नॉर्मली हल्के गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। और लास्ट टाइम मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ। हालांकि मैं वीकली एक ही डालती हूँ, लेकिन बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बस अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए जिस तरह से, हालांकि अभी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह इतने नहीं हैं, अभी उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप दिल से सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इससे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। और मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करने की भी कोशिश करूँगी, जैसे मैं वीकली डालती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा डालूँ। बस ये है कि ये सब चीज़ें बस आपके सपोर्ट पर ही निर्भर करती है। तो चलिए हम चलते हैं इसके बाद हमारे भगवान जी के रूम में, और ये देखिए हमारे भगवान जी हैं। और यहाँ पर ऊपर जो सौरभ है उनके भी गणपति उसने अभी यहाँ पर रख दिए हैं चतुर्थी में पूजन के लिए। और इसके बाद आके हम यहाँ बना रहे हैं हमारे भगवान जी का भोग, जिसमें आज मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे। एक्चुअली कल रात में मैंने बनाया हुआ था जो भोग, उसमें मैंने कचौड़ी बनाई थी, आलू की कचौड़ी और मीठा दही, और इसके साथ मैंने आलू टमाटर की सब्जी से उनका भोग लगाया था। और कहते हैं कि थोड़ा मीठा वगैरह ज़रूरी होता है, तो आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ उनके लिए हमारी मीठी सिवई। और हमें अपना नाश्ता ज़्यादा नहीं बनाना था, रीज़न ये था कि हमारी कचौड़ी का सामान भी काफ़ी रखा हुआ था और हमारी दो तीन कचौड़ियाँ भी रखी हुई थी, इसलिए हमें नाश्ते की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन हमें भोग के लिए कुछ निकालना था, तो मैंने बस आटा मार के अपना गाय का और भगवान जी का निकालूंगी, और इसके साथ ही मैंने मीठी सिवई भी बना ली है। और ये हमारी सूत फेनी है, जो कि अभी नागपंचमी के टाइम पे मम्मी लेके आई थी, तो बस हम वही बना रहे हैं। मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो हमारे गणपति जी का जो भोग निकले उसमें हम कुछ एक मीठा हम कर दें। हालांकि वैसे तो लड्डू वगैरह मोदक सब भगवान जी के पास हैं, लेकिन जब कहते हैं कि हम घर में कुछ बना के देते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने दो पराठे निकाले हैं, जो कि एक हम गाय का निकालेंगे और एक हम निकालेंगे हमारे गणपति जी का। और यहाँ पर हमने पूजा की जो थाली है भगवान जी के भोग की, वो बिल्कुल अलग ही निकाल के रखी हुई है, और ये हम दो छोटे छोटे ही पराठे बनाएंगे। और ये देखिए हमारी गाय की रोटी और हमारे भगवान जी का भोग भी बिल्कुल बन के तैयार है। और ये है हमारी भोग की थाली, जो कि हमारे भगवान जी के लिए बहुत छोटी सी है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ये एक्चुअली मैं रखती हूँ नवरात्रि के व्रत, तो नवरात्रि के टाइम पे ही मैंने एक बार ये थाली जो है इसको बांटा था,
तो वही ये इतनी प्यारी लगी तो हमने रजत को भी दी थी, तो वही वही थाली है ये जिसको हम भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बचे हुए आटे और जो हमारा सामान था उसकी कचौड़ियाँ, और यहाँ का काम लगभग फिनिश हो गया। और यहाँ से सीधे हम चलेंगे हमारे रूम में। वही फाइनली आ गया है हमारा खाना, ये हमारी कचौड़ी, चटनी और हमारी सिवई। और हमने आज बनाया है गणपति जी के लिए आलू पराठे, क्योंकि हमारा ये कल का रखा हुआ था जो मैं कल का ही ख़त्म करना था, इसलिए हमने ताज़ा नहीं बनाई, तो वही आज बनाई है। और कचौड़ी उनकी कल बन चुकी थी इसलिए उनको दोबारा नहीं बनाई है, मैंने आज उनका पराठा कर दिया है। और उनको बासा नहीं दे सकते इसलिए मैंने पराठा बना दिया है। बाकी कचौड़ी जो थी मैं ज़्यादा ही सेकनी थी, कुछ रखी थी और कुछ ही हमें पहले के आटे की सेकनी थी, इसलिए हमने उनका पराठा बनाया हुआ है। और ये फाइनली हमारी कचौड़ी है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या होता है, कैसे होता है, फिर मिलते हैं। फिर तो मैम चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि आप मेरे पैर वैसे तो देखे हुए हैं कि मैं कैसे चलती हूँ, आज आपको दिखाती हूँ मेरे पैरों में कितनी ताकत है। तो अगर देखा जाए तो मैं अपने पैरों को हिला भी सकती हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, इसको ऊपर भी खींच सकती हूँ। थोड़ी सी चीज़ों में हाँ दिक्कत आती है, इसमें उतना प्रेशर नहीं पड़ता इस पैर में, लेकिन हाँ हिला सकती हूँ इसमें जैसे भी चाहे। और थोड़ा ही खिंचता है, थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है। और ये नॉर्मली अपने आप हो जाता है। और इसमें जैसे कहते हैं ना हमारा साइंस वगैरह सब है, इसमें टच वगैरह करो तो भी सब पता चलता है। और इसके लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा फेस्ट प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये देखा होगा आपने पैर कि ये काफ़ी फोल्ड हो जाता है। काफ़ी टेढ़ा हो जाता है जी, इसकी वजह से मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और आप अगर नॉर्मली देखो तो मेरे पैरों में भी फ़र्क है 1 से 2 इंच का, और ये मेरा लगभग सीधा तो नहीं रहता है, ऐसे तिरछा नहीं रहता है। इतना इसमें है कि अगर जैसे ये मैं ऐसे कर दूँ कि अपने आप उसको मैं सीधा कर सकती हूँ, बस खींचने के लिए मुझे ऐसे खींचना पड़ेगा। इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ मैं इस पैर पर कर सकती हूँ। तो बस यही आपको एंड, बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी एंड करूँगी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हालांकि मैंने काफ़ी आपको बताने की इसमें दिखाने की कोशिश की है। और वीडियो बस यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो मिल जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।